वीडियो में बात करेंगे मेजर क्रिकेट लीग T20, जिसको मिनी आईपीएल कहा जाता है। ये इसका पहला सीजन है और पहले मैच में हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया। आपने अभी तक नहीं देखा, मैं पहले उसको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हमारी आज की टीम थी, हमने बनाया था कैप्टन आंद्रे रसेल को एंड वाइस कैप्टन हमने बनाया था सुनील नारायण को। सुनील नारायण को बहुत सारे लोगों ने लिया भी नहीं था। एंड इसके अलावा हमारी टीम की खासियत थी, हमारी टीम में अली खान थे, ज़्यादातर लोगों ने एडम जाम्पा को लिया था जिन्होंने एक विकेट लिया था। कोएज्जी को बहुत कम लोगों ने लिया था, इनकी जगह पे भी कुछ लोगों ने एडम जाम्पा को लिया हुआ था। इसके अलावा डीजे ब्रावो को भी कुछ लोगों ने नहीं लिया था। हमने आसानी से यहाँ पर अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया। यहाँ पर देख सकते हो कुछ मेम्बर्स की विनिंग हमने यहाँ पर शेयर की हुई है। इन्होंने एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था, चूँकि पहला मैच था तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं, तो इन्होंने 21,500 इन्वेस्टमेंट करके 40,000 की विनिंग की, 18,500 का इनको प्रॉफिट हुआ। एक और मेंबर की विनिंग हमने शेयर की, इन्होंने 5,000 लगा के 20,000 विन किया, लगभग 15,000 रुपये का इनको भी प्रॉफिट हुआ। आप हमारे तरह कैसे विन कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। पहले मैं इस मैच के बारे में बात कर लेता हूँ। मैच की टाइमिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस दिन एक मैच होगा 6 बजे से मैच मॉर्निंग में खेला जाएगा, जिस दिन दो मैच होगा उस दिन या तो 3 बजे अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट आप कह सकते हो मैच होगा, या तो 2 बजे होगा और प्लस 6 बजे होगा। तो ये वाला मैच रात में 2 बजे खेला जाएगा, MI न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को के बीच में ये मैच खेला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेन्यू है टेक्सास में हो रहा है, यहाँ पे कोई भी अभी तक मैचेज नहीं हुए हैं। नए ग्राउंड बनाए गए हैं, नई पिच बनाई गई। आज आपने देखा कि बहुत अच्छा ग्राउंड था, बैटिंग पिच आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे जो मैच हुआ, एक ही मैच अभी तक हुआ है जो कि पहला मैच खेला गया था, 181 बनाया था TSK की टीम ने, और यहाँ पे LAKR की टीम 112 पे ऑल आउट हो गई थी। यानी कोई भी टीम टॉस जीत करके बैटिंग करके बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो सामने वाली टीम को एफर्ट दिखाना पड़ेगा जीतने के लिए। यहाँ पर पेसर्स ने 10 विकेट और 6 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे। यहाँ पर हरीश रऊफ की अगर मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, यहाँ पर नहीं, पहला मैच, यहाँ पर सेकेंड मैच हो रहा है, 5 मैच में इन्होंने 11 विकेट लिए हैं। मैथ्यू वेट की बात करें तो ट्रेंट बोल्ड ने इनको 4 बार आउट किया है 37 बॉल में। ये प्लेयर्स बैटल हो गया। अब कुछ और प्लेयर्स बैटल हम देख लेते हैं, जहाँ की 1 विकेट वाला है प्लस 3 विकेट वाला है, 59 बॉल में 3 बार आरोन फिंच को बोल्ट ने आउट किया हुआ है। राशिद खान ने 44 बॉल में, ये तो राशिद खान तो खेलेंगे नहीं क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज चल रही है, उसमें वो खेल रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट का मैंने मैथ्यू वेट वाला बता दिया आपको। रबाडा ने 12 बॉल में 2 बार आउट किया है वेट को, एंड ये है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो यहाँ पे डी ब्रेविस ओपनिंग कर सकते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत ही शानदार बैट्समैन है, तो आप इनको बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हो। पार्ट टाइम बॉलिंग भी ये तो कराते हैं साउथ अफ्रीका T20 जो होता है उसमें। स्टीवन टेलर USA के ही प्लेयर हैं और बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, बड़ी बड़ी इनिंग खेलने के लिए जाने जाते हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। एंड इसके अलावा एम पटेल यहाँ पे हैं, एम पटेल ठीक ठाक शुरुआत दे सकते हैं, विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे और वन डाउन आएंगे। निकोलस पूरन आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, तो इनको तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आपको निकोलस पूरन को लेकर के चलना है, आपके लिए मस्ट पिक है। टिम डेविड आपको पता है कितने शानदार और बड़े प्लेयर हैं और कम बॉल में ज़्यादा रन कैसे बनाया जाता है, इनको अच्छे से पता है। केरम पोलार्ड एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर, टीम के कैप्टन है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेविड विजय T20 स्पेशलिस्ट, तो बड़े बड़े प्लेयर्स को आपको लेना है जिनको एक्सपीरियंस T20 का बहुत ज़्यादा है, जैसे डी ब्रेविस को आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो बिकॉज हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इनको चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। स्टीवन टेलर है, सामने बड़े बड़े बॉलर रहेंगे तो हो सकता है ये भी फ्लॉप हो जाए, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। लेकिन जिनको लेना ही लेना है, पूरन है, टिम डेविड है, पोलार्ड है, डेविड विजय हैं, ये सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में T20 लीग्स खेलते हैं। एच आजम है, इनकी बात करें अच्छे ऑलराउंडर हैं, बट फिलहाल के लिए इग्नोर करके चलना। रबाडा आपके लिए मस्ट पिक हैं, जैसे बैंड्रॉप मस्ट पिक हैं और ट्रेंट बोल्ट मस्ट पिक हैं। तो ये सभी जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं जिनको T20 का बिग बैश वगैरह का इनको एक्सपीरियंस है, इनको भी आपको लेके चलना है। बाकी रबाडा और बोल्ट को तो आप जानते हो, IPL में देखा है आपने। आगे चलते हैं, बेंच पे कुछ प्लेयर हैं ये नहीं खेलेंगे, बाकी यहाँ पे कुछ प्लेयर और दिख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड आपके सामने, कोई खास प्लेयर और है नहीं। सैन फ्रांसिस्को की बात की जाए तो फिन एलन एक और है हिट एंड मिस वाले प्लेयर, या तो बहुत बड़ी इनिंग खेलेंगे या तो जल्दी आउट हो जाएंगे, आपको पता है इनके बारे में। फिंच का भी वही हाल है, या तो बड़ी इनिंग खेलेंगे या तो जल्दी आउट हो जाएंगे, और कैप्टेंसी की जिम्मेदारी भी है तो हो सकता है कुछ खास ना कर पाए, और रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट अब नहीं खेलते हैं। मैकेंजी हार्वे, ये आप देख सकते हो कोई खास फॉर्म नहीं है। मार्कस स्टोइनिस जो मस्ट पिक वाले प्लेयर में है, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, इसके अलावा यहाँ पे आपको
कोरी एंडरसन जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब नहीं खेलते हैं बट अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। कोरी एंडरसन को चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, बहुत लंबे समय से नहीं खेल रहे हैं। लीजेंड T20 वगैरह आई थिंक खेला था इन्होंने। सदाब खान मस्ट पिक आपके लिए हैं, हरीश रॉफ मस्ट पिक है, लुंगी नगेडी मस्ट पिक है और क्यू अहमद मस्ट पिक है। तो इस तरीके से आपको प्लेयर लेने हैं जो कि रिसेंटली खेल भी रहे हैं और उनकी फॉर्म भी अच्छी है। यहाँ पे कुछ बेंच पे प्लेयर आपको दिख रहे हैं जिनमें से कि समित पटेल अगर खेलते हैं, ये समित पटेल नहीं ये स्मित पटेल है, इनको नहीं लेना है। लियाम प्लंकेट खेलते हैं तो अच्छे साबित हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। यहाँ पे जो रिसेंटली अच्छी फॉर्म में इन दोनों प्लेयर को मैंने लिया है, पूरन और वेट को, फिन एलन का मैंने बताया बड़ी बड़ी इनिंग खेल जाते हैं या तो जल्दी आउट हो जाते हैं। यहाँ पे केरम पोलार्ड और टिम डेविड दोनों इंपॉर्टेंट है। एक प्लेयर और लेना है, फिंच को ले सकते हो, ब्रेविस को ले सकते हो, दोनों को ही ले सकते हो लेकिन ब्रेविस को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा एंड फिंच कुछ खास अभी हो सकता है ना कर पाए। मार्कस स्टोइनिस, सदाब खान और डेविड विजय ये तीनों इंपॉर्टेंट राशिद खेलेंगे ना। स्टीवन टेलर को आप ले सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट, हरीश रावो, कगिसो रबाडा तीनों इंपॉर्टेंट है। लुंगी नगेडी चूंकि ऐसी बॉलिंग कराते हैं, स्विंग वगैरह मिक्स कराते हैं तो इनको विकेट कई बार मिल जाता है, दो तीन चार विकेट भी ले जाते हैं तो इसलिए मैं इनको रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज क्वैस अहमद भी एक T20 स्पेशलिस्ट है एंड जैसन वैनड्रॉप भी अच्छे हैं। लियाम प्लंकेट बहुत लंबे समय से नहीं खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट तो ये सभी को तो उतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप विजन 11 में खेलते हो तो मैं एक बैट्समैन आपको बता दूंगा जो कि आपको लुंगी नगेडी की जगह पे ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सदाब खान है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। पोलार्ड भी पार्ट टाइम बॉलिंग कई बार कराते हैं और विकेट्स भी ले जाते हैं, खास बात है। यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस आपको दिख रहे हैं, इनको भी आप CVC बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे डेविड विजय को भी CVC बना सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बॉलर हैं, हरीश रावत डेथ ओवर में करते हैं, लुंगी नगेडी, ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा ये चारों ही डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं अपनी अपनी टीम के, बना सकते हो। वैसे ये सभी बड़ी इनिंग खेलने के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा किस तरीके की बैटिंग पिच थी, डेविड मिलर ने अच्छा खेला, डेविन कॉनवे ने आज अच्छा खेला, इसके अलावा सेकेंड इनिंग में आंद्रे रसेल ने अच्छी बैटिंग की तो बैटिंग पिच तो है ये। तो लुंगी नगेडी की जगह पे मैंने यहाँ पे ब्रेविस को लिया है। अगर आप विजन 11 की टीम बनाते हो उस केस में तो ये सेम टीम आप लगा सकते हो। बाकी एक टीम मैंने आपको ड्रीम 11 की बताई, उसके साथ भी आप जा सकते हो। बाकी हमने कुछ रिकमेंडेशन भी आपको दी है। अब बात करते हैं पेड मेंबरशिप की। हमारे पास इस समय लंका प्रीमियर लीग का पैकेज है जो कि 20 अगस्त तक सीरीज चलेगी, लेकिन आपको मेंबरशिप लेने के बाद तुरंत आपको टीम देना हम स्टार्ट कर देंगे बिकॉज इसमें मेजर T20 लीग भी हमने शामिल की है क्योंकि पहला सीजन है, इसलिए उसके लिए अलग से कोई भी चार्ज नहीं रखा गया तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा T20 ब्लास्ट के 3 नॉकआउट मुकाबले हैं कल, एसेक्स, हेम्पशायर, समरसेट, सरे और प्लस फाइनल मुकाबला होगा जो भी दोनों में से एक एक टीम जीतेगी उनके बीच में। इन तीनों मैच की टीम भी लंका प्रीमियर लीग वाले मेंबर्स को दी जाएगी, प्लस यहाँ पर ये दोनों मैच की टीम भी लंका प्रीमियर लीग वाले मेंबर्स को दी जाएगी तो इसका फ़ायदा आप सभी उठा सकते हो। पेड मेंबरशिप केवल इसी नंबर पे अवेलेबल है 9140233474, ये हमारा टेलीग्राम की ID है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक अगर चाहिए चैनल वाला तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज सबसे ज़्यादा है मार्केट में, विनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होती है तो अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज पेड मेंबरशिप देने से हमको 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होता है, लाखों रुपये एक्सपेंसेज किए जाते हैं न्यूज कलेक्ट करने के लिए। और हम डोमेस्टिक T20 वगैरह इस तरीके की सीरीज जैसे मेजर T20 लीग हुआ, इंग्लिश T20 ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा लंका प्रीमियर लीग का करोड़ों की विनिंग लास्ट ईयर की आप जाके देखना आपको पता लग जाएगा कि हमसे ज़्यादा विनिंग किसी ने नहीं की होगी मार्केट में, तो आप सभी मेंबरशिप लेकर के फ़ायदा उठा सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका होस्ट संतोष अंकुरी साइनिंग आउट, बाय बाय।